आपको जब भी जरूरत हो मुझे किसी भी समय बेझिझक फोन कर लिया करें। 2012 में पहली मुलाकात में ही उन्होंने कहा था। इससे पहले आदरणीय शांति स्वरूप जी को मैं सिर्फ उनकी किताबों और एक अच्छे वक्ता के रूप में जानता था। टीवी के लिए एक चर्चा रिकॉर्ड करने की इच्छा से दिल्ली में जब मैं उनसे मिला तो लगा ही नहीं हम पहली बार मिल रहे हैं। उस दिन उनके साथ बिताए हुए सारे पल आज भी याद हैं। समता बुद्ध विहार में चर्चा के लिए शूटिंग का सेट बनाने से लेकर विषय के लिए जरूरी तथ्यों तक सब कुछ उनके सहयोग से ही संभव हो पाया था। मुझे अपने कैमरामैन के साथ अपने घर लंच के लिए ले गए, पूरे परिवार से मिलवाया और देर शाम तक अपनी पेंटिंग सहित कई विषयों की किताबों से परिचित कराते रहे। इसके बाद तो यह सिलसिला ही बन गया। समता बुद्ध विहार पूरी शूटिंग टीम के ठहरने का एक निश्चित ठिकाना बन गया। दिल्ली में हम कोशिश करते कि कम से कम होटलिंग करनी पड़े और अंकल जी भी हमें अक्सर घर के भोजन के लिए याद कर लिया करते थे। एक तरह से वे दिल्ली में मेरे लोकल गार्जियन ही थे। अक्सर जनमत प्रोग्राम के विषय तय करने और उस विषय से संबंधित तथ्यों के लिए मेरे रेफरेंस बुक भी शांति जी ही होते थे। विषय तैयार करते समय रविश जी के साथ साथ शांति जी को फोन करना जैसे मेरी आदत में शामिल हो गया। मेरे टीवी चैनल छोड़ने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। इस बीच में आकाशवाणी कैजुअल अनाउंसर कंपियर्स यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए यूनियन कार्यालय के पते की समस्या को लेकर उनसे मिला। उन्होंने फौरन इसका हल निकाल दिया। मेश्राम जी, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान न हो, हमने पहले भी कई संगठनों के रजिस्ट्रेशन अपने पते पर करवाए हैं। आप अच्छे काम की शुरुआत कर रहे हैं तो मेरे ऑफिस का पता इस्तेमाल कर लीजिए। और इस तरह दिल्ली में हमारी ट्रेड यूनियन अस्तित्व में आ गई। यही नहीं, वे अक्सर हमारे धरना प्रदर्शनों के मंच पर आकर हमारा हौसला बढ़ाते और सैकड़ों लोगों के ठहरने का प्रबंध भी करते। टीवी छोड़ने के बाद मैं काफी दिनों तक कैमरे से और पत्रकारिता से दूर रहा। अभी हाल ही में YouTube चैनल से एक बार फिर शुरुआत की और संयोग से इस बार भी पहली चर्चा शांति स्वरूप जी के साथ ही रिकॉर्ड हुई और इसके सिर्फ 8-10 दिन बाद उनके निर्वाण की सूचना मिल गई। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उनके पुत्र कपिल को फोन लगाकर इसकी पुष्टि ली। वे अक्सर कहते थे, खबरों पर एकदम से विश्वास ना करो, उसे कई स्रोतों से पुष्ट कर लो, हमारे माध्यम से अपुष्ट या फर्जी सूचनाएं नहीं जानी चाहिए। उन्होंने ही एक बार बातचीत के दौरान अपनी पहली मृत्यु के बारे में बताया था। कहने में थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन किशोरावस्था में टाइफाइड से पीड़ित होने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी कि अचानक वे जीवित हो उठे। उनके बारे में डॉक्टर संजय गजभिये की किताब में इस घटना का जिक्र आया है। वे अक्सर कहते, जिस आदमी का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुष ने रखा हो उसे अकाल मृत्यु कैसे आ सकती है। इस बार भी हम इसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। आसान नहीं है शांति स्वरूप होना। वे कहते, सीने ये फौलादी हैं, हम संघर्षों के आदि हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं।